नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आशा इन्हें पूर्ण विश्वास भी है कि आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज बर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। मिलान फाउंडेशन लखनऊ द्वारा एक प्रोग्राम व नुक्कड़ नाटक के अंतर्गत किशोरी और बच्चों को जागरूक करने सोशल एक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम सभा पूर्वा अतरौलिया की गर्ल आइकन आरती प्रजापति ने सोशल एक्शन प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने गांव में अपने सेंटर की किशोरियों शिक्षा बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ व बच्चों को स्कूल भेजने आदि विषयों पर गीत सामूहिक नृत्य नुक्कड़ नाटक आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों करवाया। समुदाय में लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक जागरूकता रैली के माध्यम से लड़का लड़की एक समान सबको शिक्षा सबको ज्ञान के माध्यम से जागरूक किया गया। संस्था की ओर से कार्यक्रम समन्वयक व महिला कार्यकर्त्री आरती प्रजापति आदि ने उपरोक्त विषय पर अपने विचार रखे। वहीं पूर्वा गांव के किशोरियों को जागरूक करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें किशोरियों को उचित शिक्षा न मिल पाने के कारण उनके आगे का जीवन अंधकारमय हो जाता है, जिसके बारे में जागरूक किया गया, जिसमें लगभग 100 से अधिक किशोरियों एवं महिलाओं और बच्चे सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों द्वारा स्कूल चलो अभियान जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत एक रैली भी निकाली गई। इसमें दंपतियों पर लिखे स्लोगन सबको शिक्षा सबको ज्ञान लड़का लड़की एक समान लेकर बच्चों ने शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया। वहीं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किशोरियों महिलाओं को उनके अधिकारों और शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। आज अतरौलिया के पूर्वा स्कूल में बच्चों ने रैली निकाले था, क्या उद्देश्य है जो आज रैली निकाले थे बच्चों? इसका उद्देश्य यही है कि हमारे गांव में शिक्षा की बहुत ही कमी है इस गांव में, क्योंकि सभी लोग बच्चों को पढ़ने में मतलब लड़कियों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। सब लोग सोचते हैं कि वो पढ़ लिख के क्या करेंगे और घर के काम में लगाए रहते हैं, तो इसीलिए हम लोगों का मेन उद्देश्य है एजुकेशन, ताकि सभी लोग शिक्षित हों और आगे बढ़े, हर बच्चियां शिक्षा के मामले में आगे निकले। आज बच्चा स्कूल में प्रोग्राम किया गया था, क्या इस प्रोग्राम में क्या उद्देश्य था? प्रोग्राम में यही उद्देश्य था कि इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी लोग शिक्षा के बारे में समझें और वो अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं आगे बढ़ाएं। ये नुक्कड़ नाटक कब तक चलता रहेगा? नुक्कड़ नाटक ये जब तक सभी लोग शिक्षित नहीं हो जाते तब तक यही हम लोगों का प्रोग्राम ऐसे ही चलेगा। ठीक, धन्यवाद। आज अतरौलिया के पूर्वा स्कूल में बच्चों ने रैली निकाला था, और क्या इसका उद्देश्य जो आज बच्चों ने रैली निकाला था? दरअसल में एक कार्यक्रम चलता है गर्ल आइकन प्रोग्राम, और जो शुरू में ग्राम्य पुनर्निर्माण संस्थान यहाँ चला रहा था, लेकिन अभी सीधे मिलान फाउंडेशन सीधे डायरेक्ट करता है। उसमें हर गांव मतलब एक लड़की को गर्ल आइकन के रूप में सिलेक्ट किया जाता है। इस बार जो है गर्ल आइकन के रूप में आरती प्रजापति का सिलेक्शन हुआ है, और आरती प्रजापति ने अपने क्षेत्र में 20 लड़कियों का एक पीयर ग्रुप बना करके उनके अंदर शिक्षा स्वास्थ्य इस पर जागरूकता का कार्यक्रम किया है। आज इन्होंने एक सोशल एक्शन प्रोजेक्ट किया है, जिसमें मिलान फाउंडेशन का पूरा सहयोग रहा है, और पूरी तरीके से उस कार्यक्रम का आयोजन करने काम जिम्मेदारी जो है आरती ने उठाया है। इससे हम लोग ये सोचते हैं कि लड़कियों के अंदर एक कैपेसिटी आ सकती, कोई कार्यक्रम वो आयोजन कर सकती हैं। इसके लिए इन्होंने यहाँ एक कार्यक्रम किया, उसमें इन्होंने गांव में रैली निकाली, जागरूकता रैली निकाली शिक्षा को लेकर के। यहाँ पर शिक्षा को लेकर के इन्होंने नुक्कड़ नाटक गीत और भाषण करवाया है, और उससे एक माहौल गांव में बना है कि नहीं, लड़कियों को हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना चाहिए, और लड़कियां अगर आगे बढ़ेंगी तो मुझे लग रहा है कि देश भी आगे बढ़ सकता है। दूसरी बात, ये शिक्षा अगर मिलने के बाद कोई भी लड़की अपने खिलाफ होने वाले शोषण और अपने खिलाफ होने वाली जाति का बहिष्कार कर सकती है, उसके विरुद्ध बोल सकती है, ये इसका पूरा मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद।